श्रीमाता शरणम श्री अरविंद शरण समस्त अपा भाई मानक मोर नमस्कार। आज आम मनर प्रस्तुति विषय तृतीय भागटी आलोचना करिबा। यह शेष भाग बर्तमान मनीष भितर तार एकमात्र शक्ति हेला तार मन जा विषय से किछिटा सचेतन हेलाणी से जहाँ साहाज्यरे से जावतीय काम करे आग को जीवापी आमर अग्रगति बा पूर्णांग मानव हेबापी मन ही हेब आमर प्रधान साधन प्रधान उपकरण। एक सत जे मनरु आम यात्रा आरंभ करिबा किंतु यही मन ही दिने प्रधान प्रतिबंधक हेब। मनीषर मानस चेतन गोटे शक्ति रही से शक्ति हेला तार इच्छा शक्ति। यही इच्छा शक्तिर संकल्प द्वारा ही मनीष सब काम करुछि। यही शक्ति को दृढ़ करी एवं विशुद्ध करी माँ कहले विशुद्ध आउ शक्तिशाली विशुद्ध करने को पड़िबो एवं यहाँ साहाज्य नहीं आम जीवन लक्ष्य निर्धारण करा जिवो। यही इच्छा शक्ति जदि आम अंतर्चेतना बा आम चैत्य सत्तांकर संकल्प सहित एकीभूत हो जाए तेबे आमर लक्ष्य पथरे शेष पर्यंत चालिबारे आमे सक्षम हो पारिबा आमकु केही रोकी पारिबे नाही। आमर लक्ष्य ग्रहण कला परे जे आम यात्रा सहज और सरल हो जीव से कथा नुहे बरं आहुरी कष्ट हबो कारण नदीर अनुकूल स्रोतरे सबु मनीष सहजरे भासीजिबे किंतु प्रतिकूल माने स्रोतरे भासी भासी पहरी पहरी तार लक्ष्य जगार जाँचवा एत सहज कथा नुहे से गोटे विशेष शक्ति दरकार गोटे भलकिरी पहरवा जाणीवा दरकार जो शक्ति से शक्ति हेला आमे प्रतिकूल अवस्था भितर दे कि आमे से लक्ष्य आम लक्ष्य जाँचवा से जो शक्ति दरकार से शक्ति हेला दिव्य कृपा। जदि आमे पिलाटी दिन यही शक्ति उपरे आस्था रखिता भरोसा रखिता आवाहन करूवा तेले ताहले आमे आमर दुख कष्ट सहजरे आमे कबलित करिपारिबा बा आमे ताकु पार हो पारिबा। यही जो मनीष परिवर्तन हे भविष्यतर देव मनीषरे परिणत हबो तापाई गोटे मात्र रास्ता रही से रास्ता हेला माँ श्री अरविंद प्रदत्त रूपांतर जुग। पुरातन जुग मध्यम मनीष भागवत चेतना लाभ करिपारे संसार दुख दुर्दशा बा विकृति रु निज को मुक्त करी निजे ब्रह्म चेतन बास करिपारे परम आनंद मध्य पाई किंतु बाह्य चेतनार परिवर्तन हब ना बाईना मन प्राण शरीर मूल प्रकृति रूपांतरित हुए ना का पुरातन जुगरे। पुरातन जुगरे मुक्ति निर्वाण पर्यंत जाती अर्थात चेतनार मुक्ति किंतु रूपांतर अर्थ है मनीषर बाह्य प्रकृतिर रूपांतर। अहंकार जगु मनीष निजकु गोटे स्वतंत्र व्यक्ति रूपे देखे किंतु मनीषर मन प्राण शरीर प्रकृति विश्वमन विश्वप्राण और निश्चेतनारू आसी ताहले मनीषर रूपांतर क्षेत्र हला ही विश्व प्रकृति। यही विश्व प्रकृति उपरे काम करियापाई कौनसी धारा सेतेबेले पुरातन जुगरे बाहर करि पार नथिले। एमाने कौन करथिले ना मनीषर प्रकृति को मनर एक उच्चतर संकल्प द्वारा दृढ़ संकल्प द्वारा निश्चेतनारू निम्न प्रकृति को ऊपर को उठिबा को दौ नथिले तेणु से माने कौन करथिले ना गोटे निरोला जगह बाछि नथिले जोठारे कि यही विश्व मन विश्व प्राणर शक्ति तांको मन प्राण उपरे प्रभाव पकेई पारिबो नाही। एहा द्वारा कौन होतला ना प्रकृति चाप निजर जो आमर जो निम्न प्रकृति सबू चापी हेकि रही जाउतला रूपांतर हेउनथिला दरकार पड़े से प्रकृति पूर्ण ऊपर को उठुला तार प्रकृष्ट उदाहरण तो आम मैं देखे दुर्वासा केते बड़ ऋषि सी किंतु दरकार पड़े किंतु माँ श्री अरविंद रूपांतर जग संपूर्ण भिन्न
ଯେତେବେଳେ ପୁରାତନ ଯୋଗର ମୁକ୍ତି ଅବସ୍ଥା ସାଧକର ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଅନ୍ତର ଚେତନା ଓ ଜ୍ଞାନର ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା କୌଣସି ଏକ କାମନାକୁ ଜୟ କରିପାର, ତେବେ ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା କାମନାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାର ଆନନ୍ଦ ଠାରୁ 100 ଗୁଣ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାଉ, ଏବଂ ପରେ ଏହାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ତୁମ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁମ ଧାରଣାର ବାହାରେ ଥିବା ଏପରି ଏକ ଜଗତରେ ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ତୁମେ ଯେଉଁ ନୂତନ ବିଜୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି କଲ, ତାହା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଚାଲେ। ଯେତେ ଛୋଟ ବିଜୟଟି ହେଉନା କାହିଁକି, ତାହା ସାରା ସଂସାର ପାଇଁ ବିଜୟ ଆଣିଦିଏ। ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ବାହ୍ୟ ଦେଖାଣିଆ କାମ କରୁ, ଯେତେ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର ପ୍ରକୃତିର ରୂପାନ୍ତର ନ କରି ନିଜର ବଡ଼ପଣ ଦେଖେଇବାର ବାହାନା କରି ତାଠାରୁ ଏହି ଛୋଟ ରୂପାନ୍ତରଟି ନିଜ ପ୍ରକୃତିରେ କରିପାରିଲେ, ତାହା ଅନନ୍ତ ଗୁଣରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ, ଆନନ୍ଦ ଦେବ ଏ ସଂସାର ପାଇଁ। ଯଦି ତୁମେ ସତରେ କିଛି ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାମ ହେଲା ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା। ଆମେ ଯଦି କିଛି ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି, ତାକୁ ଜୟ କରିବା। ଏହା ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖି ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ନିଜର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବା, ଏହା ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି କାମ କରିବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କର କରୁଣା, ଶକ୍ତି, ପ୍ରେମକୁ ଚାହିଁବା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଏହା ହିଁ ହେବ ଆମ ମନର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆଜି ଆମେ ମାଆଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବା, ତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରିବା, ଆମ ମନକୁ, ଆମ ପ୍ରାଣକୁ, ଆମ ଶରୀରକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବା। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଜି ଏତିକି, ପୁଣି ଆରଥରକୁ। ନମସ୍କାର।